कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुख्तार अंसारी के परिवार को पीड़ित परिवार बताया था। संत कबीर नगर पहुंचे संजय निषाद ने इसके कहा, ना तो कोई परिवार का तो कोई कसूर नहीं है ऐसा। आज मुख्तार अंसारी सजा सुनाया गया, लेकिन उनके जो नात रिश्तेदार होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनके घर में कोई नाती पनाती है, उनका परिवार है, तब शामिल है, उनके ऊपर सजा है। लेकिन जो अपराधी में शामिल नहीं है, तो परिवार है, तो उसको पीड़ित परिवार ही तो कहा जाता है। कांग्रेस के एपी प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर मिले और आधार पर आपको न्याय मिलेगा। देश की जनता को न्याय दिलाने का संकल्प बीच हमारी मातृशक्तियों के बीच और साथ ही साथ देश के पिछड़े और गांव को जानकर और उनकी जरूरतों को और उनकी आशाएं और अपेक्षाओं के अनुकूल ये मैनिफेस्टो जो है, जो कि एक गारंटी के रूप में, एक आश्वासन के रूप में और इस देश की जनता को उनके अपेक्षित न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह न्याय पत्रिका तैयार की। और आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं। देखिए, आपको इसका वीडियो दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है वीडियो। ये देखिए, हम आपको लाल एरो करके दिखा रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि बिल्कुल बगल वाली सीट पे बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, ठहाका मारते मारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं नीतीश कुमार। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बिहार के नवादा का वीडियो बताया जा रहा है। पीएम मोदी की जनसभा यहाँ पर होनी थी, उससे पहले मंच सज चुका था, तमाम दिग्गज मंच पर मौजूद थे, पीएम मोदी के साथ में नीतीश कुमार बैठे हुए थे और बातों बातों में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छू डाले। कल पीलीभीत के दौरे पर जाने वाले हैं, यहां पर ड्रमंड इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस बार है कल पीएम मोदी की ये महारैली, जिसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 80 इंस्पेक्टर्स, 12 महिला इंस्पेक्टर, 255 सब इंस्पेक्टर समेत 5 कंपनी पीएसी की, 1 अर्धसैनिक बलों की कंपनी जो है वो कल पीएम मोदी की जनसभा में पैनी नजर रखेगी। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की राजस्थान में कल आपने देखा कि धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया और अब आज 3 जनसभाएं और आइए अब आगे बढ़ते, आपको बताते हैं बदायूं के चुनावी रण में उम्मीदवार बदले जाने का खेल अब भी जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव पर यहां से टिकट पा सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल ने साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि लोग युवा चाहते हैं और बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। सुनिए क्या कहा शिवपाल यादव। चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है, यहाँ के लोग जो मांग कर रहे हैं ना, वाह भी लग सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ गई, उनमें नामांकन हो जाएगा, बहुत जल्दी नामांकन हो जाएगा। बदायूं के लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? पहुंच गए, अच्छा खबर कौन सा है, रोज की रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना गया कि 9 दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रियों में सबकी घोषणा हो जाएगी। नॉमिनेशन के लिए कुछ दिन तय किया है चाचा आपने, क्या स्पेशल दिन तय किया है या पंडित जी से पूछ ले? पंडित जी से पूछ, आज ही पूछ लेंगे, लेकिन नवरात्रियों में पूछे तो ज्यादा अच्छा होता है ना, पूछ लेंगे। उधर आपने देखा ही है हमारा साथ देंगे, समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, उनके पिताजी भी साथ देंगे आपका? हाँ, पिताजी तो बड़े नेता हैं, देंगे। तो संगमित्रा मौर्य भी और उनके पिताजी भी
यहाँ साथ देने वाले हैं शिवपाल यादव का। अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये भी बताते हैं कि शिवपाल यादव के बयान के बाद बदायूं से बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य ने पलटवार किया है उनके बयान पर। उन्होंने बदायूं से आदित्य को लड़ाने को लेकर तीखा तंज किया, साथ ही कहा कि संगमित्रा हमारे साथ थी, हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगी। उनके इतिहास के बारे में सब जानते हैं। मैंने उनको कहा कि वो गुंडों के सरताज हैं, तो ये उनके शासनकाल की जो परिस्थितियां हैं, जो ऋण देते हैं नहीं देते हैं। जहाँ तक उनकी बात कही कि मैं उनका चेला हूँ, मेरा दूर दूर बात पे कायम हूँ कि वो गुंडों को संरक्षण देते। अच्छा, दूसरी बात ऐसा है, वो अभी फिर दिखाई दे, संगमित्रा पहले भी आई थी मंच पर, भी हमारे साथ रही थी। जहाँ तक उनकी चिंता करने की बात है कि महिलाओं का हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस बात की उनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपना परिवार का मसला निपटा लें कि भतीजा उन पर कितना विश्वास कर रहा है और वो भतीजे पर कितना विश्वास कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले वो आ गए 15 दिन यहाँ घूम लिए, घूमने के बाद अचानक जब उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने हार से खुद को बचाने के लिए अब अपने बेटे को आगे किया है। बेटे का भी अभी भतीजा चुनाव में टिकट करेंगे कि नहीं करेंगे अखिलेश जी, इसका भी अभी कोई भरोसा नहीं है। तो अपने घर परिवार का मसला निपटाएं।